नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त कुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी।
महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो भोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहां दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। अनुमति दें साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार।